मौजूद है और यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मेटाडोर से सफ़र करते हैं, लेकिन जानते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है जब से ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है ट्रैफिक रूल जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उन पे इनकी क्या टिप्पणी और ये किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बताइए क्या दिक्कत आती है जब आप मेटाडोर की, क्या प्रॉब्लम है? मैम जब से कोई चलान वगैरह कट रहा है तो हम गाँव से आते हैं तो हमें दो तीन गाड़ियों से सुनने लगती हैं। पहली बात तो वो गाड़ी रोकते ही नहीं है और मतलब कि रोक लेते हैं, मतलब कि कोई चार पांच गाड़ी तो रुकती नहीं है क्योंकि वो लेडीज़ को या जेंट्स को बिठाते हैं, तो हम स्टूडेंट को आजकल बिठाना बंद कर दिया, बोलते हैं कि आगे ओवरलोड है, हम स्टूडेंट को देने 5 रुपीज़ हैं तो हमें भी बिठाएंगे, कोई तो सवारी को बिठाएंगे तो 10 रुपीज़ देंगे उनको, तो या तो कोई ऑटो रुकेगा और हमें यहाँ पे मतलब कम से कम एक घंटा हमें वहाँ पे खड़े होने भी लग जाता है कि अब गाड़ी रुकेगी शायद रुकी जाए, हम पागलों की तरह हम रोक भैया रोक दो लेट हो रहे हैं, नहीं रोकते वो सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं, तो मतलब हमारा एक घंटा तो हम हमारे गांव में वापस वेट करते करते हो जाता है और सिटी का भी यही हाल है, या तो वो बोलेंगे चलो उतर जाओ आगे वो लगा हुआ है तो फिर उसके बाद पैदल चल के आ जाओ, अब हम पैदल चल के जाएंगे वहाँ से बैग उठा के पैदल जाएंगे, तो जब जहाँ पे मतलब खड़े कॉलेज में कितने बजे पहुँचेंगे, लेट हो जाएंगे? हाँ एक घंटा डेढ़ घंटा मतलब लेट हो जाते हैं, हमें 2-3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा फिर जाके हम टाइम पे कॉलेज पहुँचेंगे। आपके आंटी में क्यों लेट होता है? तो वो हमें गाड़ी वाले बिठाते नहीं हैं और जब बिठाते हैं तो कहते बस 60 जन बिठाने आगे ट्रैफिक वाले हमें पकड़ते हैं और किराया लेना है, अगर बैठोगे तो किराया ज़्यादा देना है तो वरना बिठाते नहीं, हमें 9 बजे क्लास होती है तो हम 10-11 बजे पहुँचते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से खड़े खड़े वो बिठाते नहीं है गाड़ी में क्योंकि हम लेट होते इतना ज़्यादा, तो 5 ही गाड़ियाँ तो हमें मिस करनी पड़ती है, फिर जब आते फिर वो नहीं बिठाते, बाहर ही पहले बन सकते तो हमें ट्रैफिक वाले अगर पकड़ लेंगे बारह पहले ऑन होते हैं ये ये जो मेटाडोर वाले हैं ये एक तो सवारियां बाहर तक मतलब कि कंडक्टर के खड़े होने की जगह नहीं होती, इतनी सवारियां लोड कर लेते हैं और कंडक्टर पीछे लटक के आता है तो इतना ज्यादा रिस्क होता है, कोई बच्चा आगे बैठा हो वो गिर जाए, कोई लेडीज साइड पे लटकी है वो गिर जाए, तो इसलिए बड़ा रिस्क होता है, ये बिल्कुल फुल कर लेते हैं गाड़ी अपनी, ये नहीं कि थोड़ी जगह भी नहीं छोड़ते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है ये मेटाडोर के लिए कोई रूल फॉलो ही नहीं करती, वो बाहर तक गाड़ियाँ मतलब की सवारी बिठा लेते हैं और फिर मतलब की ओवरलोड कर लेते हैं और मेटाडोर वालों को पता होता है कहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो वहाँ से गाड़ी नहीं निकालते, कभी कभी तो पहले ही सवारियाँ उतार देते हैं और फिर बाद में हमें पैदल जाना पड़ता है। अब क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से जिन्होंने ये रूल निकाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आपको जब से ये रूल निकला है आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे? कि मेटाडोर का भी चलाना मतलब कि उनको देखें कि वो ज़्यादा ओवरलोड ना करें क्योंकि फिर जो अंदर बच्चे कभी कभी अंदर बच्चे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, इतनी गर्मी है ऊपर से तो वो बड़ी ज़्यादा यू नो सफोकेशन हो जाती है। तो ये अभी आपने देखा कि हमने जो मेटाडोर के जो स्टूडेंट्स जो गांव से भी आते हैं और सफ़र भी करते हैं उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि उनको बिठाया ही नहीं जाता है मेटाडोर में क्योंकि वो आधा जो है चार्ज करते हैं इसीलिए, और मेटाडोर वाले भी उनको नहीं बिठाते, अगर बिठा देते हैं तो उनको खड़े खड़े ही आना पड़ता है और चार्जेस भी उनको पूरे देने पड़ते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से जो कॉलेज में है टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, कम से कम 2 घंटे जो है वो कॉलेज लेट होते हैं जो गांव से बच्चे आते हैं, तो उनकी यही अपील है कि अगर आप ट्रैफिक रूल की अगर बात कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले जो मेटाडोर पे है वो ट्रैफिक रूल जो है फॉलो किया जाए। मैं प्रीति सहर लाल न्यूज़ इब्राहिम के साथ, जय हिंद जय भारत।